बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया, फिर ये उम्मीदें जाहिर की गई कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ होगी तो टीम की अच्छी परफॉर्मेंस सामने आएगी, लेकिन एक ऐसा गैर मुतवक्का नतीजा सामने आया जिस पर सबके सर शर्म से झुक गए। 2-0 से पाकिस्तान टीम हारी और अब कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का सबसे ज़्यादा लोवेस्ट फेज़ है। क्या वाकई ऐसा है और टैलेंट आना क्या कम हो चुका है? बाबर क्यों आउट ऑफ फॉर्म है? शाहीन के साथ क्या हुआ? कोई इस तरह के और कई सारे सवाल हमारे जहन में हैं जिनके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे आज हम मोइन खान से। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान हैं, अपनी एकेडमी भी चलाते हैं, नए टैलेंट पे भी उनकी गहरी नज़र है और काफ़ी क्रिकेट खेली है, उनको पता है सारी चीज़ें, तो उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। मोइन भी बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। वर्ल्ड कप 1992 की फातह टीम का आप हिस्सा है, एशिया कप भी जीता पाकिस्तान ने आपकी क़यादत में, वैसे भी कई ऐसे तारीख साज लम्हात आपने एज ए क्रिकेटर देखे जब पाकिस्तान टीम जीती, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अमेरिका से पाकिस्तान हारा, पहले जिम्बाब्वे से हारा था, अफगानिस्तान से हार रहा है, फिर अब बांग्लादेश होम ग्राउंड पर हमें 2-0 से हरा के चला गया, तो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा दिल दुखता होगा आपको कि यार ये क्रिकेट का क्या हाल होता जा रहा है। नेचुरली दिल तो दुखता है क्योंकि हमने क्रिकेट हमारे एरा में बहुत ही पैशनेटली खेली गई है, जितने भी बड़े बड़े स्टार्स थे स्पेशली 90s के अंदर ही उन्होंने परफॉर्म किया और हम बड़ी बड़ी सीरीज जीते, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी जीते। ऑलमोस्ट मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि इस वक्त कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो मुझे प्लेयर्स में लग रही है। सर प्लेयर्स में एक इंसान की अपनी अर्ज होती है, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की वो कोशिश करता है या अपने स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करता है और इंटरनेशनल स्टार्स की परफॉर्मेंस को कम्पीट करने की कोशिश करता है। उस दौड़ में मुझे प्लेयर्स आजकल के नज़र नहीं आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और यही वजह है जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंसेज है वो नीचे आ रही है, क्योंकि जब आप कम्पीट कर रहे होते हैं और होल हार्टेडली कर रहे होते हैं तो नो मैटर वॉट आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। यहाँ पर जब से T20 क्रिकेट ज़्यादा हो गई है, मैं समझता हूँ T20 की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट है प्लेयर्स का, कम वक्त में ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, अप्रोच छोटी हो जाती है इसी वजह से, बट देर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दी परफॉर्मेंसेज कि क्रिकेटिंग स्किल्स के ऊपर जो है ना उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और यही वजह मैं समझता हूँ कि जो हम पिछले दिनों जो हम शिकस्त का बाइस बने वो इसी वजह से बने कि मोस्टली जो प्लेयर्स हैं उनका टिल्ट T20 क्रिकेट की तरफ है। अच्छा, यही प्लेयर्स जो हैं ये पहले जब खेल रहे थे तो बेहतर परफॉर्मेंस इनकी नज़र आ रही थी, किसी को हम किंग कह रहे थे, किसी को कुछ कह रहे थे, यही प्लेयर्स बिल्कुल डाउन हो गए, तो क्या कोई ख़ास वजह आपको लग रही है या जैसे इख्तलाफात वगैरह की बातें नज़र आ रही हैं? इख्तलाफात हो जाते हैं, देखें जब बार बार चेंजिंग आएगी, क्रिकेट हो, बोर्ड हो या पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, उससे रिलेटेड कप्तानी हो या टीम में चेंजेज़ हो, कंसिस्टेंसी ना हो चीज़ों के अंदर, तो इस तरह की तो आप देखेंगे इनस्टेबिलिटी रहेगी, हमेशा रहेगी, और प्लेयर इसी वजह से अंडर प्रेशर आ जाते हैं। फिर जब भी कोई भी नया सेटअप आता है, हर बंदा अपनी सोच लेके आता है, हर कप्तान अपनी सोच लेके आता है, कहीं एक्सेप्टेंस होती है और कहीं नहीं होती, तो यही प्लेयर पहले खेल रहे थे, बट वक्त के साथ साथ क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के साथ अच्छी बुरी फॉर्म लगी रहती है, वो भी एक फैक्टर है, फिर एज भी एक फैक्टर है, नेचुरली एक एज होती है उसमें आप टॉप लेवल पर फिटनेस पर खेल रहे होते, बट टाइम टू टाइम वो डेटोरेट भी करती है, तो ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है कि साथ साथ चलती हैं। बट जैसे मैंने कहा कि जो एक्सेप्टेंस वाली बात है वो बड़ी मुश्किलों से होती है, क्योंकि आप कप्तान कभी बाबर को बना रहे हैं, कभी बाबर को हटा रहे हैं, कभी शाहीन को बना रहे हैं, टेस्ट में शान को बना रहे हैं और फिर हटाने की बातें कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। देखें आप जब कोई डिसीजन लेते हैं या तो वो सही होता है या गलत होता है, ठीक है ना, बट उस पर स्टिक तो करना चाहिए जब आपने डिसीजन ले लिया कि शान कप्तान है या बाबर कप्तान है या शाहीन कप्तान है, उस पर स्टिक तो करें थोड़ा सा, उनको साल दो साल तो दें, कुछ सीरीज़ तो दें ना उनको, आप बार बार कप्तानी चेंज करने की बातें करते रहते हैं, प्लेयर्स में इनस्टेबिलिटी इसी वजह से आती है, उन्हें पता ही नहीं होता जी हमारा कप्तान कौन है और ये कप्तान रहेगा भी नहीं रहेगा, उसकी बात नहीं सुनेंगे, जाहिर सी बात है। जब क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कप्तान को फुल सपोर्ट होगी और एक लॉन्ग टर्म पीरियड दिया जाएगा और उसको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, नो मैटर वॉट आप खेलें, आप इस टीम को लड़ाएं और एटीट्यूड नज़र आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली
सलीम वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। आपने कैप्टनसी की बात की, शायद जो चेंजेस हो रही हैं उसकी वजह ये है कि बोर्ड में भी बहुत चेंजेस होती हैं। एक चेयरमैन आते हैं, उसको कोई प्लेयर पसंद होता है उसको कैप्टन बनाते हैं, दूसरे आते हैं वो कहते हैं नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, फिर तीसरा आता है, शायद ये भी एक वजह हो। मैं यही बोल रहा हूँ ना, देखें इनकन्सिस्टेंसी इसी वजह से होती है, जब आप खुद मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते हो अपने डिसीशंस के ऊपर कि ये डिसीजन मैंने सही लिया है कि नहीं। जब आपने ले लिया तो फिर स्टिक करें ना उसके ऊपर। यहाँ पे दो सीरीज़ के बाद आके अब नॉन क्रिकेटर्स मोस्टली, हमारे जितने भी चेयरमैन हैं नॉन क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। किसी प्लेयर को बनाने के लिए नेचुरली उसको लेके चलना पड़ता है। इसी तरह गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज़ में ज़रा थोड़ा सा फर्म होना पड़ेगा क्योंकि बार बार चेंजेज़ आ रही हैं। आई होप कि अब इस वक्त नकवी साहब मौजूद हैं तो नकवी साहब कुछ अरसा गुजारें, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है जिसपे इम्प्लीमेंटेशन डे बाय डे डेली रूटीन के ऊपर होना चाहिए। अब वो पॉलिसी बन गई है, बन रही है या बनेगी इसका मुझे भी इल्म नहीं है इस वक्त, बट आपने क्रिकेट बोर्ड चलाना है, क्रिकेट चलानी है, क्रिकेट डेवलपमेंट करनी है, फॉरेन टूर्स करने हैं, जूनियर टूर्स करने हैं, बहुत एक लेंथी प्रोसेस है और बहुत ही इसके लिए टाइम चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे चेयरमैन जो है वो डिफरेंट पोर्टफोलियो के ऊपर हैं, फुल टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये भी एक फैक्टर है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसको सीरियसली सोचना पड़ेगा और अपनी टाइम मैनेजमेंट को चेयरमैन को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ज़्यादा वक्त दें, और अगर वो नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है कि फिर उनको भी चाहिए कि किसी और के हवाले करें ताकि वो फुल टाइम यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड को दे सके इंसान। अब जैसे कैप्टन्स की बात होती है तो आजकल आपने कहा कि जैसे बार बार बदलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर ये बातें हो रही हैं कि शायद कैप्टन चेंज हो और शान को हटाया जाए और बाबर को, तो वैसे ही वर्ल्ड कप के बाद से चल रही हैं बातें ये है। तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई एक कैप्टन हो तीनों का, जैसे रिजवान, हम चले अगर नाम को हटा भी दें, आपका क्या ख्याल है कि एक कैप्टन होना चाहिए तीनों तर्ज का या अलग अलग? देखिए बना सकते हैं अगर वो तीनों तर्ज के अंदर आपका मेन प्लेयर है, परफॉर्मर है, परफॉर्मर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एक इन्फ्लुएंशियल होता है वो प्लेयर, वो होता ही इन्फ्लुएंशियल इस वजह से कि वो परफॉर्मर अच्छा है। अगर वो परफॉर्म करा और उसके अंदर एबिलिटी एट द सेम टाइम कप्तानी की भी है और वो टीम बनाना जानता है, टीम लड़ाना जानता है, यू नो डिफरेंट मुल्कों में उसको आइडिया है खेलने का या परफॉर्म किया हुआ उसने, तो नेचुरली वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब उसमें एक हो या आप तीनों फॉर्मेट के अलग अलग बना लें, कोई इससे फ़र्क मेरा नहीं ख्याल है कि पड़ेगा, बट क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज़ की कि टेस्ट का कैप्टन अगर ये है तो उसको एक लॉन्ग टर्म देना चाहिए, वनडे का कैप्टन है तो उसको लॉन्ग टर्म देना चाहिए, T20 का। अब रिजवान की भी बात करें तो रिजवान के लिए भी हमें देखना पड़ेगा, नो डाउट उनकी एबिलिटीज़ पे कोई शक नहीं है, बहुत ही कहना चाहिए कि एक ज़बरदस्त शार्प क्रिकेटर है और परफॉर्मर भी बहुत अच्छे हैं। मेरा ख्याल है कि एक जो उनके अगेंस्ट फैक्टर है वो उनकी एज है मेरा ख्याल है, क्योंकि अब आपने देखना होगा कि इस एज में उनको कप्तान बनाते हैं वो कितने अरसे तक खेल सकते हैं, उनकी फ़िटनेस लेवल क्या है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम देखते हैं उनकी फ़िटनेस लेवल हमें मैचेस में नज़र आ रही होती है कि वो डिटेरिएट कर रही है, हर मैच में कुछ ना कुछ कोई मसल्स उनका ऐसा इंजर्ड हुआ हुआ होता है। तो ये तमाम चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी और नेचुरली फिर एक लॉन्ग टर्म फैसला करना पड़ेगा, और अगर आपने टेम्परेरी बनाना है तो टेम्परेरी भी मैं समझता हूँ कि रिजवान कैन बी अ गुड चॉइस बट टेम्परेरीली, बट उसके साथ एक आपको यंगस्टर लगाना पड़ेगा जो कि आप इमीडिएटली फिर रिप्लेस करें वो रिजवान को। हम कप्तान तो बना देते हैं, हम वाइस कप्तान भी तैयार नहीं कर रहे, कप्तान भी तैयार नहीं कर, तो ग्रूमिंग नहीं है, ग्रूमिंग जब तक नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल है कि कोई स्टेबिलिटी आ सकती है क्रिकेट के अंदर। टेस्ट में तो इन्होंने सबूत शकील को बनाया था, वाइड बॉल में आपके ख्याल में कौन सा ऐसा यंगस्टर है जिसमें नज़र आ रही है आपको कैप्टनसी की सलाहियत है? एज सच स्पेसिफिकली तो मुझे कोई अभी समझ में नहीं आता, बट शाइन के साथ ज्यादा की गई है उन्होंने, मेरा ख्याल है शाइन एक अच्छा प्लेयर था, T20 फॉर्मेट के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल भी था वो टीम के अंदर और वो टीम को लेकर चलता भी था, परफॉर्मर भी अच्छा था, तो नेक्स्टली उसको जब कप्तानी से हटाया उसकी परफॉर्मेंस भी मैंने देखा कि अभी थोड़ी सी नीचे है। अब जब स्टेबल करेंगे लड़कों को, उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो परफॉर्म करेंगे। मुझे ऐसा लगता है शाइन इज़ अ बेटर चॉइस फॉर T20 क्रिकेट, शाइन को होना चाहिए, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए थोड़ा सा ताकि वो लेके चल सके, और ही इज़ यंग फिट और एनर्जेटिक भी है वो, और लोग पसंद करते हैं, प्लेयर पसंद करते हैं उसके साथ खेलना। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी तो शाहीन के साथ और भी बड़ा गलत हुआ कि दूसरे मैच में उनको खिलाना नहीं था, यहाँ वो कराची पहले गए अपने बेटे से मिलने,
फिर उनको कहा आ जाओ, वहाँ गए तो उनको बोला वापस चले जाओ, नहीं खिलाना। तो उस तरह यही चीज़ें होती हैं ना सलीम, देखिए कॉन्फिडेंस शेक होता है इससे प्लेयर का, आप प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, प्लेयर्स को पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हाँ, क्रिकेट बोर्ड का काम है, अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा देन देयर शुड बी समबडी लाइक अ कोच और अ मैनेजर जो उसको टाइम टू टाइम बूस्ट करे, पम्प करे और उसको याद दिलाते रहे कि भाई तुम प्रोफेशनल हो तो यू आर बाउंड टू परफॉर्म वेल। बाबर आजम के साथ क्या हुआ मोइन भाई, आपके ख्याल में इतना अच्छा प्लेयर के दुनिया भर में उसका नाम है, लेकिन अब तकरीबन 2 साल हो गए, 8-9 मैच हो गए, कोई 15 ही बना पा रहा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी नज़र नहीं आ रहा, तो क्या ये कैप्टनसी वगैरह ये जो पॉलिटिक्स चल रही है टीम के गिर्द उनसे ही परफॉर्मेंस मुतासर हुई? एक्चुअली प्रेशर तो होता है जब इस तरह की टीम में सिचुएशन हो और क्रिटिसिज्म भी हो, तो नेचुरली उसको बर्दाश्त करने के लिए आपको बहुत डिटरमिंड होना पड़ता है और यही वजह मेरा ख्याल है कि जो कुछ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट टीम मैनेजमेंट और प्लेयरों के दरमियान कुछ डिस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं, रूमर्स भी आते रहते हैं, कुछ न्यूज़ भी आती रहती हैं, इससे ऐसे ही लगता है और यही वो चीज़ होती है। आप इस वक्त तो जो स्पेशली टीम मैनेजमेंट होती है, कोचिंग स्टाफ होता है, इस टाइम पे प्लेयर्स को लिफ्ट करते हैं, इस टाइम पे उठाते हैं, इस टाइम पे ही करना होता है। अच्छे टाइम पे तो फॉर्म चल रही होती है, वो बंदा फुल फ्लो में होता है उस वक्त, बट मेन काम यही होता है एज मैन मैनेजमेंट। आपको जब आप थोड़े से कहना चाहिए कि रफ वाटर्स के अंदर हो, तो यहाँ पे कोचेस का काम है, मेंटर्स का काम है या मैनेजर्स का काम है कि वो प्लेयर को स्टेबल करें, रिलैक्स करें और उसको उसी मोड में वापस ले कर आए जहाँ वो था, जहाँ वो फाइट करता था। तो बाबर नो डाउट एक एक्सेप्शनल प्लेयर तो है, बट जिस तरह हमने देखा है कि बाबर की कप्तानी में कभी भी पाकिस्तान ने कोई बड़ा इवेंट नहीं जीता, तो नेक्स्ट एक एडिड प्रेशर भी होता है उनके ऊपर भी होता है और टाइम टू टाइम हम देखते रहते हैं कि ये प्रेशर बढ़ता रहता है। स्पेशली वर्ल्ड कप जब हुआ हमने देखा कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऐसी थी, आप क्वालिफाई नहीं कर सके सेकेंड राउंड के अंदर और फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो गए। अमेरिका जैसी पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम के खिलाफ आप परफॉर्म नहीं कर सके, फिर इंडिया से हम वो मैच जो 120 रन बनाने थे वहाँ पे 121 रन, वो हम नहीं कर सके, वो रन नहीं बना सके। तो इंडिया के खिलाफ जब भी पाकिस्तान टीम खेलती है तो प्रेशर बहुत होता है और यही होता है जब आप हारते हैं तो नेचुरली आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर कम बैक करना पड़ता है, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो टीम में बाबर की जो है मैं नज़र नहीं आई है कि बाबर ने उसके बाद कोई ऐसी अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के कोई कम बैक किया हो और लोगों को जवाब दिया हो। तो ग्राउंड ही एक ऐसी जगह है, पिच ही ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोगों जो आपकी एबिलिटी है उसके थ्रू कि आप कितने बड़े प्लेयर हैं। तो बाबर को थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, आई थिंक ही शुड टेक इट। लेंगे नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव साइड में और आप इसी तरह फिर धंसते चले जाते हैं, आप परफॉर्म कभी भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा स्कोल से निकलने के लिए उनको पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर। जैसे आपकी एकेडमी है, आप इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, कई बच्चे ने देखा कि बड़ा अच्छा भी उनका खेल है और बड़े बनेंगे बाद में प्लेयर इंशाल्लाह, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नज़र आ रहे हैं हमें अच्छे अच्छे परफॉर्मर, लेकिन पिछले दिनों चेयरमैन साहब का आपने देखा होगा एक बयान कि पीछे इतना टैलेंट आ नहीं रहा पाकिस्तान में, क्या मुत्तफिक हैं आप इस बात से? नहीं, मैं तो बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि एज ए क्रिकेटर मुझे पता है पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, बस उनको सिर्फ रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि इसमें अपनी जो उनकी डेवलपमेंट वाली साइड है उसको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पे उनसे प्लान बनवाने पड़े होंगे। चेयरमैन साहब को चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो लोग हैं, नॉन क्रिकेटर जब तक होंगे ना बहुत मुश्किल है क्रिकेट आपकी बेटर हो सके। क्रिकेट को डेवलप करने के लिए क्रिकेटर्स और क्रिकेट माइंड होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो हर इंसान को क्रिकेट आती है, हर बच्चे को जो खेलता भी नहीं उसको भी आती है क्रिकेट, बट उसको मैनेज करना जब तक आप नहीं कर सकते जब तक आपने खुद क्रिकेट ना खेली हुई हो, बिकॉज़ कि आप उस फेजेस से गुजरे हुए होते हो, आपको पता होता है कि आपने किस तरह प्लेयर्स को डेवलप करना है। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर्स का होना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अभी जैसे एक इनिशिएटिव लिया है चैंपियंस कप के अंदर, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा है, इस पर प्रेस करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि एक अच्छा पॉजिटिव डिसीजन है जिसमें आपने मेंटर्स लिए टीम के साथ। आई होप इन्होंने मॉडर्न डेज क्रिकेट भी खेली हुई और टॉप परफॉर्मर भी रहे अपने एरा के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंशाल्लाह। बट यहाँ पर थोड़ा सा इनको भी इन
जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली और रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा अपने वर्क्स को और लड़कों को, ताकि इनको ग्रूम कर सकें। अदरवाइज़ अगर इनको छोड़ दिया, जैसे हम डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी और जो कि पिछले दिनों बंद हो गई थी, इस पाकिस्तान में अगर आप प्रोडक्ट्स पुराने देखें तो सारे डिपार्टमेंटल क्रिकेट की सारी प्रोडक्शन थी। ये अनफॉर्चुनेटली जो बीच में गैप आया, जो बंद हो गई थी डिपार्टमेंट क्रिकेट, तो जब आप ये इनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं और ये टाइम टू टाइम चेंजेस करते हैं तो कभी स्टेबिलिटी नहीं आती। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपके सीज़न में, चाहे वो डोमेस्टिक सीज़न ODI हो या आपका फर्स्ट क्लास हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके रूल्स के ऊपर, ताकि लोग पूरी जान मार के खेलें और उनको पता हो पहले से कि अगले साल भी यही रूल होंगे, उससे अगले साल भी यही होगी, इसी फॉर्मेट पर हमने क्रिकेट खेली। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, PCB भी ये मेंटर्स का आपने जिक्र किया, अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके साथ, 50-50 लाख रुपए महीने के दे रहे हैं। आपने तो एक उसूल बनाया हुआ है कि जब तक आज़म क्रिकेट खेल रहा है आप PCB में नहीं आएंगे, तो ये इससे आपको नुकसान नहीं हो रहा? 50 लाख में अगर आप भी मेंटर आते तो सलीम, कभी ज़िंदगी में मेरा नहीं ख्याल है कि आप पैशनेटली अगर क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हो तो आप पैसा ऐसा देखते हो कि आपको पैसा ही चाहिए। पैसा भी हक है, प्लेयर्स को मिलना चाहिए, क्रिकेटर्स का पैसा है, क्रिकेटर्स को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? क्रिकेट बोर्ड तो हर एक को देता है पैसा, नॉट ओनली के क्रिकेटर्स को बांट रहा है, जो उनका तो पहला उन्हीं का, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। उसके अगेंस्ट वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आपको क्या प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। इनको चाहिए कि हर टीम से कम तीन तीन प्लेयर तो उफक पे आए, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें, फिर तो मज़ा है ना। फिर 50 लाख भी कम है मैं तो कहूँगा। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड का है। और आप जब बाहर के कोचेस को आप इतना इतना पैसा डॉलर्स के अंदर दे सकते हैं, तो वाई नॉट अपने क्रिकेटर्स को क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी रिवायत है। ये जो बाहर के कोचेस का जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान के दोनों ही बाहर के कोचेस हैं, इनका फ़ायदा नज़र आता है कुछ? फ़ायदा देखिए सलीम, जो कम्युनिकेशन बैरियर है ना, वो तो बहुत बड़ा है। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान टीम में कोई इतना अच्छा वेल स्पोकन लड़का है। मेरा ख्याल है एक शान है जो अंग्रेज़ी समझता है, अंग्रेजी बोलता है। बात तो कहते हैं कैप्टन ने इसीलिए बनाया कि इंग्लिश अच्छी है, आप कह सकते हैं, बट इज़ अ प्लेयर ऑल्सो, और उसने पास में परफॉर्म भी अच्छा किया हुआ है माशाल्लाह। बट ये एक एडिशनल आपकी एक एडिट वो आ जाती है ना स्किल, कि आप अच्छी कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, तो उस पर फ़ायदा ये हो जाता है कि कम अज़ कम आपका कप्तान जो उर्दू में डिस्क्राइब तो कर सकता है, लोगों को एक्सप्लेन तो कर सकता है, बट ज़्यादातर प्लेयर जो है ना, ये बैरियर है हमारा अंग्रेज़ी का। बट मैं एज अ क्रिकेटर हमेशा यही समझता हूँ कि कप्तान का इन्फ्लुएंस, कप्तान का रोल ज़्यादा होना चाहिए, राधा दैन कि आप किसी कोच को, ऐसे बड़े कोच को रख दें, वो एक पर्सनैलिटी क्लैश ही रहता है। ये एक लो प्रोफाइल जगह है, यहाँ पर एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र चाहिए जो आपको नेट ऑर्गेनाइज़ कर दे, अच्छे फील्डिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ कर दे, डिसिप्लिन को मेंटेन करे प्लेयर्स के, जो भी है, जो मैनेजर का भी कुछ काम होता है इसके अंदर। और बाकी जो रोल होता है, मैं समझता हूँ कप्तान का ही होना चाहिए, और कप्तान ही एक मेन स्ट्रेंथ होती है जो कि टीम को फील्ड में जाके लड़वाता है, यू नो। तो आई थिंक लोगों को भी, प्लेयर्स को भी मैसेज यही जाता है कि हमारा लीडर है, इसको फॉलो करना हमें। पाकिस्तान में अब जैसे तीन मेजर जो सेंटर्स हैं उनको तोड़ फोड़ के नया बनाया जा रहा है, काम हो रहा है काफ़ी, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सब कुछ हो रहा है। इंडियन टीम के हवाले से भी काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं कि आएगी नहीं आएगी। इंडिया के खिलाफ आपने बड़े मैचेस खेले, अच्छा परफॉर्म किया, इंडियन क्रिकेटर्स जो पुराने उनसे भी आपकी अच्छी दोस्ती है, तो क्या आप कहना चाहेंगे इंडियन टीम को? इंडियन टीम को, इंडियंस को स्पेशली, तो मैं सारे तमाम जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो हमारे साथ खेले हैं, चाहे वो सौरभ गांगुली हो, सचिन हो, कपिल पाजी हो, बड़े बड़े नाम हैं इंडिया के अंदर, राहुल द्रविड़ हैं, लक्ष्मण हैं, इन लोगों को चाहिए क्रिकेट बोर्ड को सलाह दें और स्पोर्ट्स को किसी पॉलिटिक्स की नज़र ना करें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें। दोनों नेशन के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडियन पाकिस्तानी है, वो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान आपस में खेले। नॉट ओनली के इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट इस ओवरऑल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंडियंस को अपनी ये रिवायत चेंज करनी चाहिए, चेंज करनी पड़ेगी उनको, इवेंचुअली करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ICC का रोल क्या रह जाता है? जब आप अपने ICC के कमिटमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करते, जो कि आप बाउंड हैं एज़ पर जो आपका एग्रीमेंट है विद ICC करने को, तो अदरवाइज़ फिर पाकिस्तान को भी चाहिए, अगर इंडिया नहीं आती तो पाकिस्तान में आइंदा कोई टूर्नामेंट अगर इंडिया में हो तो पाकिस्तान को फिर स्टांस लेना चाहिए कि पाकिस्तान भी ना जाएगा। आखिर में आज़म के बारे में बताएं, वेस्ट इंडीज़ में क्या आपको लगता है आज़म का थोड़ा दिल टूट गया कि जिस तरह उनके साथ हुआ कि
एक आध मैच खिला के फिर बाहर करके फिर एकदम से क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया बहुत सारा। आप तो ज़ाहिर है वालिद हैं, आपकी बात होती रहती होगी, तो क्या उनका थोड़ा दिल टूट गया है जो यहाँ से बिल्कुल दिल टूट गया? यार सलीम, बात यह है कि जो मैंने पूरा वर्ल्ड कप देखा और वर्ल्ड कप से पहले के मैचेस देखे, उसमें तो ऐसा लग रहा था कि आज़म इज़ द नंबर वन चॉइस फॉर विकेट कीपिंग बैटिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक मैच के बाद जो है पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी गई, आज़म से कीपिंग नहीं कराई गई, एक मैच के बाद उसको ड्रॉप कर दिया गया जो कि फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया। कोई भी प्लेयर आउट हो सकता है फर्स्ट बॉल पे, तो यहाँ जो एक रिवायत है ना प्लेयर बनाने की वो नहीं आ रही जो हमारे यहाँ होती थी पहले। इतनी ज़्यादा चाहे वो कप्तान हो चाहे टीम मैनेजमेंट हो, इतनी ज़्यादा आप कंसिस्टेंटली चेंज करेंगे आप कैसे प्लेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं? इतना तेज़ दौर है तो आपको वक्त देना चाहिए। अगर एबिलिटी आपने देख लिया, एबिलिटी पहली दफ़ा भी पिछले वर्ल्ड कप में भी वो सिलेक्ट हुआ था और रमीज़ राजा साहब ने उसको बाहर कर दिया था आके, और उस वक्त उनको चाहिए था कि चीफ सेलेक्टर को बाहर करते अगर उन्होंने गलत सेलेक्ट किया था, ठीक है ना? तो उस वक्त इतनी करेज नहीं थी उनके अंदर, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि आज़म एक न्यू कमर को उसके हौसले जो पस्त कर दिए गए, फिर इस वर्ल्ड कप में खेला, इसमें भी आपके सामने है कि किस तरह उसको लेके गए, किस तरह खिलाया। बट मैं ये नहीं कहता कि सारी गलती इसमें टीम मैनेजमेंट की या कप्तान की, बट हाँ आज़म के भी अपने फ्लॉज हैं। आज़म को चाहिए कि अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करें, मेंटली स्ट्रॉन्ग करें, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करें, और स्पोर्ट्समैन की जो फिटनेस होती है उसको थोड़ा सा फॉलो करें। अब पिछले एक डेढ़ महीने से मैं देख रहा हूँ शहज़ाद मोहम्मद के साथ इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, नॉट ओनली हेयर, अपने साथ शहज़ाद को कैरी भी किया उन्होंने, वेस्ट इंडीज़ भी साथ दोनों कर रहे हैं ट्रेनिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आज़म ने भी बहुत कुछ इस चीज़ से सीखा होगा और आज़म को सीखने का मौका मिला होगा, और जो पॉजिटिविटी है वो मैं हमेशा आज़म से यही शेयर करता हूँ कि नेगेटिव साइड पे ना जाओ। लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, आप अपने आप को तो प्रिपेयर रखें ना कि आपने परफॉर्म करना है। अगर आप ही प्रिपेयर नहीं है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप परफॉर्म कर सकते हो अच्छा? तो आई थिंक उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो अपने वर्क एथिक्स है उसको फॉलो करें, एंड उसके बाद इंसान अल्लाह पे छोड़ देता है कि जब मेहनत करता है तो उसे बिलीव होता है कि मैं ज़रूर परफॉर्म करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मोइन खान की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालिया परफॉर्मेंस है उसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी प्लेयर्स पर ही आयद होती है जो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग लगते नहीं हैं। बाबर आजम के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनको ज़हनी तौर पर अपना मजबूत होना पड़ेगा ज़्यादा ताकि फॉर्म में वापस आएँ। शाहीन आफरीदी के बारे में कहा कि उनके साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ, उनको कप्तानी से हटाना नहीं चाहिए था, और वाइड बॉल में अब भी वो क़्यादत के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। साथ मोइन खान ने इंडियन टीम से भी ये कहा है, एक मशवरा दिया है कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, यहाँ बहुत अच्छी मेहमान नवाजी होगी। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।